दोस्तों प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। राजवंत सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है, बिवेयर द बायर, खरीदार खबरदार, मुश्तरी होशियारबाज, ये कहा जाता है। मैंने जब पहली बार मुश्तरी होशियारबाज शब्द पढ़ा था, टर्म पढ़ी थी, तो मेरे को लगा कि छोटी सी बात है ये। लेकिन जैसे जैसे मैं रियल स्टेट में घुसता चला गया, ये टर्म मेरे को ऐसे लगा कि ये तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया है, ये तो एक डिक्शनरी है। बिवेयर द बायर, मुश्तरी होशियारबाज, मुश्तरी का मतलब खरीदार, होशियारबाज का मतलब खबरदार रहे, मुश्तरी होशियारबाज का मतलब है बिवेयर द बायर यार। क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता है आदमी, कोई भी खरीदार है, प्रॉपर्टी ले या कुछ और भी चीज़ ले, कंप्यूटर भी लो या आप कार ले लो, कोई कार भी ले लो, चोरी की कार निकल जाए तो फिर भी आपका ही नुकसान होना है। इसीलिए बिवेयर द बायर कहा जाता है। बिवेयर द बायर का जो मतलब गवर्नमेंट है, ये इंडियन कानून इसको मान्यता देता है कि बिवेयर द बायर। आप कोई आदमी आपको कहे जी मैं लाल किले के कागज लेके बनवा के लेके आ जाए, जैसे नटवरलाल ठग ने बनवाए थे कि ये लो आप, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो हमने खुद देखना है कि ये बंदा लाल किला हमें बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। उसके बिना मैं अपनी ट्रेनिंगों में ये पढ़ाता हूं कि जो आदमी, जो सरकारी महकमे की प्रॉपर्टी है उसमें एडेमिटी बॉन्ड है जो परचेजर की तरफ से दिया जाता है कि मैंने सेलर को अच्छी तरीके से जान लिया है और सेलर में कोई कमी नहीं है, सेलर को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, कागजों को मैंने देख लिया है। और ये जो सरकारी महकमे अपने ऊपर बात लेते ही नहीं है, यदि आपके साथ फिर भी कोई ठगी हो जाए तो आपने पहले ही एफिडेविट लिख के दिया हुआ है, एडेमिटी बॉन्ड जिसको श्योरिटी बॉन्ड कहते हैं, लिख के दिया हुआ है कि आप ने अपनी तसल्ली कर ली है। अभी हमने 2-3 महीने पहले राजपुरा में रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री में भी लाइनें लिखनी शुरू कर दी हैं कि हम खरीदार को अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी किसी तरीके की इसमें गड़बड़ होने की आशंका नहीं है, हमारी रजिस्ट्री, हमारा वसीका तस्दीक किया जाए। ये जो आज का केस स्टडी है, ये क्या है, एक फादर ने जो गाजियाबाद का था, उसने अपने बेटे के नाम पर एक वसीयत बनवा दी और प्लॉट था कोई 400 गज का, वसीयत बन गई, वसीयत के बाद उसके नाम पे, बेटे के नाम पे चली गई। तो बेटे ने 3 साल बाद एक यही प्रॉपर्टी सोहनलाल को बेच दी। सोहनलाल ने प्रॉपर्टी खुशी खुशी लेके अपनी रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री करवा के लड्डू बांटता है, लड्डू बांट के घूम रहा है। जिस दिन प्लॉट का कब्जा लेना था उस दिन इसकी ये जो फादर की बेटी थी, डॉटर, इसकी बहन ये सामने आ जाती है। ये कहती है जी ये जो प्रॉपर्टी है ये तो मेरे अकेले भाई की तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो इसमें तो मेरा भी शेयर है। तो वो कहता है जी अब मैं ये देखो कागज़, देखो कागज आपके भाई के नाम पर है, कब्जा आपके भाई के पास है, तो मैंने तो उससे सौदा किया है, आप अपने भाई से क्लेम करो, यदि आप भाई से क्लेम करोगे तो आप जो मर्जी उनसे ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लड़की ने, जो ये बंदे ने इसके नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी, उस रजिस्ट्री को, उस इंतकाल को चैलेंज कर दिया और 3 साल के बाद वो रजिस्ट्री भी टूट गई और इंतकाल भी टूट गया। मतलब ये बंदा जीरो हो गया, एक बार ये जीरो हो गया। तो आप, प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम ये आई कि फादर ने वसीयत बना दी कि मैंने अपने बेटे को प्रॉपर्टी देते हैं, जो अभी भी रूटीन चलता है कि जो इसकी प्रॉपर लैंग्वेज है उसी तरीके से है कि मैं 60 साल का हो गया हूँ जी, मेरे प्रॉपर्टी में झगड़ा ना हो, मैं अपने बेटे को, मेरे जो सेवा करता है उसको ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मेरी बेटियाँ अपने घर में खुश हैं, खुशहाल हैं, मैंने उनकी शादी कर दी है, जो शादी पर देना था दे दिया। तो वो बेटी कहती जी बाप लिख के दे गया ये बात कि मेरी बेटियाँ अपने घर में खुशहाल हैं, अपने घर में खुश हैं, हमें पूछ के देखो हम नहीं खुश हैं, हमें तो बाप की प्रॉपर्टी है जो मेरा शेयर मेरे को मिलना चाहिए। इसी बात को लेके, इसी बात को बेस बना के वकील ने केस तैयार कर दिया और केस तैयार करके रजिस्ट्री चैलेंज कर दी, इंतकाल टूट गया, रजिस्ट्री टूट गई। ये मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई ये लड़की कैसी आई, हो सकता है ये इस बंदे के मन में लालच हो, इसी ने खड़ी कर दी हो बहन अपनी। लेकिन जब भाई आप, जब जो सोहनलाल ने जिस दिन वो रजिस्ट्री करवाई थी, जिस दिन उसे सौदा किया था, उससे पूछा था कि तुम्हारे नाम पे ये जमीन कैसे आई है, ये प्लॉट कैसे आया, तो उसने कहा था मेरे फादर ने मेरे नाम पे वसीयत करवाई है। तो उस दिन उसका ये फर्ज बनता था पूछता कि तुम्हारे फादर के और लीगल हेयर कितने हैं, इसमें क्लेमेंट कितने हैं,
यदि वो ये बात पूछ लेता उस दिन कि तुम्हारी इसमें बहन भी है, तो बहन से आपने उसका जो हक है वो सरेंडर करवा लिया कि नहीं करवा लिया? राइट सरेंडर करवाना बहुत जरूरी था, लेकिन बहन ने एफिडेविट नहीं दिया उसके हक में, भाई के हक में, और वो जाके कोर्ट में रजिस्ट्री जो चैलेंज होगी, इंतकाल और रजिस्ट्री दोनों टूट गए, दाखिल कार्ज भी गया और बंदा परेशानी में आ गया। सो हमने देखना है जब भी ऐसी इस तरीके की प्रॉपर्टी लेनी है, हमने उसके पीछे तक जाना है, जेनालॉजिकल ट्री बना लेना है, फैमिली ट्री बना लेना है, ताकि कोई पार्ट हमारे से छूट ना जाए। आपको नहीं पता, किसी एक्सपर्ट की सलाह लो, किसी आप किसी वकील की सलाह ले सकते हो, किसी और बंदे की जो प्रॉपर्टी में मास्टर है, प्रॉपर्टी का माहिर है, उसकी सलाह लो, जो प्रॉपर्टी का जानकार है। पंगा ये है, हम अपने रिश्तेदारों की सलाह लेते हैं, अपने जानकारों की सलाह लेते हैं, हम प्रॉपर्टी के जानकारों की सलाह नहीं लेते। दिक्कत यहाँ आती है। तो जब ऐसी दिक्कत आएगी तो फिर सोहनलाल की तरह आप भी आंखों में मतलब मुट्ठियां दे दे के रोगे, आपके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। ध्यान रखिए आपका।